बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बच्चों एक समाजसेवी थे। उन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियों का जबरदस्त विरोध किया। बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चों का विवाह हो जाना। बहुविवाह अर्थात एक पुरुष का कई विवाह कर लेना। और विधवा विवाह का मतलब है छोटी छोटी बच्चियों का जब विवाह हो जाता था तो उन बच्चियों का यदि पति का निधन हो जाता था तो वो वापस से विवाह नहीं कर सकती थी और पूरा जीवन उन्हें विधवाओं की तरह व्यतीत करना पड़ता था। तो इन तीनों कुरीतियों का उन्होंने जमकर विरोध किया। आइए, मैं बुक में पढ़ रही हूँ, सब बच्चे उंगली रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को बंगाल के मिदनापुर जिले के वीरा सिंह गाँव में हुआ था। उनकी माता का नाम भगवती देवी और पिता का नाम ठाकुर दास बंदोपाध्याय था। इनकी माता उदार विचारों वाली महिला थी। उदार विचारों वाली मतलब खुली सोच की। बालक ईश्वर चंद्र पर सबसे गहरा प्रभाव अपनी माता का ही पड़ा। बचपन से ही वे बड़े चंचल और तीक्ष्ण बुद्धि के बालक थे। उन दिनों पढ़ाई लिखाई की इतनी सुविधाएं नहीं थीं जितनी कि आज हैं। ये क पे छोटी की मात्रा आएगी, गलत छपा है बच्चों। उन दिनों गांव की पाठशाला में वर्णमाला यानी क ख ग घ जो होते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं, और गणित का साधारण ज्ञान कराया जाता था। आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालकों को दूर शहर में जाना पड़ता था। बच्चों, ये आज से 100 साल पहले की बात है। उन दिनों गाँव में पढ़ाई लिखाई की इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आज हैं। इसलिए आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालकों को दूर शहर में जाना पड़ता था। जब ईश्वर चंद्र की अवस्था 5 वर्ष की हुई तो उनके पिता उन्हें लेकर गांव की पाठशाला में दाखिला दिलाने गए। ईश्वर चंद्र को पाठशाला में छोड़कर वे घर वापस आ गए। वहाँ पहले दिन की पढ़ाई आरंभ हुई। अध्यापक ने बच्चों को बंगला भाषा के कुछ वर्ण लिखाए और कहा, अब बैठकर इनका अभ्यास करो, आगे कल पढ़ाएंगे। तो वो क्योंकि बंगाल में रहते थे तो उनके पिता जब वो 5 साल के हुए तो पास के शहर में उन्हें लेकर उनका विद्यालय में दाखिला कराया। और जब उनकी पढ़ाई शुरू हुई तो बंगाली भाषा के कुछ वर्ण सिखाए गए और उनको अभ्यास करने को कहा गया। ईश्वर चंद्र को उन थोड़े से वर्णों से संतोष नहीं था। वे दूसरे बच्चों के पास गए। उन्होंने अपनी पुस्तकें खोलकर उन्हें सारे वर्ण सिखाए। बच्चे ईश्वर चंद्र से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। ईश्वर चंद्र ने एक ही दिन में बंगला के सभी वर्णों को सीख लिया। पाठशाला बंद होने तक उन्हें पूरी वर्णमाला अच्छी तरह से याद हो गई। तो अध्यापक ने तो कुछ ही वर्ण सिखाए थे उन्हें, पर उन्हें संतोष नहीं हुआ और दूसरे बच्चों के पास जाकर उन्होंने दूसरे बच्चों को भी किताबें खोलकर वर्णमाला वर्ण लिखने पढ़ने सिखा दिए और खुद भी एक ही दिन में उन्होंने पूरी बंगला भाषा के सभी वर्णों को सीख लिया। वर्ण जैसे अब कैसे गए तक हमारे हिंदी में आते हैं ना, उन्हें कहते हैं। यह देखकर सभी अध्यापक आश्चर्यचकित रह गए। पाठशाला बंद होने पर वे ईश्वर चंद्र के घर पहुँचे। ठाकुर दास ने समझा कि शायद ईश्वर चंद्र ने कोई शरारत की है और अध्यापक महोदय उनकी शिकायत लेकर यहाँ आए हैं। तब तक अध्यापक स्वयं ही बोल पड़े, आपका बेटा बहुत होनहार व प्रतिभावान है। इसने एक ही दिन में बंगला की पूर्ण वर्णमाला सीख ली। क्या हुआ,
जब अध्यापकों ने ये देखा कि उस बच्चे ने अपने आप ही एक दिन में पूरी वर्णमाला सीख ली तो वो उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनके घर चले गए। उनके पिता जो ठाकुरदास थे उन्होंने सोचा कि ईश्वरचंद ने कोई शरारत की है इसलिए शिकायत करने घर पर आए, पर वो कुछ कहते उनके पिता उससे पहले अध्यापक ने कहा कि आपका बेटा तो बहुत ही होनहार है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसने एक ही दिन में बंगला की पूरी वर्णमाला सीख ली। ठाकुरदास जी को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, वे बोले ये आप क्या कह रहे हैं, यह कैसे हो सकता है। अध्यापक ने मुस्कुराकर कहा आप स्वयं देख लीजिए। उनके पिता ठाकुरदास थे, उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि एक ही दिन में इतना छोटा बच्चा कैसे पूरी बंगला की वर्णमाला सीख सकता है। तो अध्यापक ने कहा कि आप खुद देख लीजिए। बच्चों अगले पेज पर आप आ गए होंगे, सब बच्चे उंगली चलाएं मेरे साथ। उन्होंने बालक ईश्वर चंद्र को अपने पास बुलाया और वर्णमाला लिखने को कहा। ईश्वर चंद्र ने सारे वर्णों को ठीक ठीक लिख दिया और उन्हें पढ़कर सुना भी दिया। तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि उनके पिता ने ईश्वर चंद्र को अपने पास बुलाकर वर्णमाला लिखने को कहा, तो ईश्वर चंद्र ने पूरी वर्णमाला के अक्षर लिख दिए और उन्हें ठीक से सुना भी दिया। बड़े होकर उन्होंने संस्कृत की उच्च परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करना यानी पास करना। अध्ययन समाप्त करते ही उन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज के बंगाली विभाग में प्रधान पंडित के पद पर नियुक्ति मिल गई। अपने कार्यकाल में उन्होंने कॉलेज में अनेक सुधार किए। बाद में उन्हें संस्कृत कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया गया, प्राचार्य कहते हैं प्रिंसिपल को। उन दिनों संस्कृत कॉलेज में केवल उच्च जाति के लोगों को ही प्रवेश दिया जाता था। जब वे कॉलेज के प्रिंसिपल बने तो उन दिनों ऐसी व्यवस्था थी कि समाज की ऐसी व्यवस्था थी कि उच्च जाति जो होते थे उनको ही प्रवेश संस्कृत कॉलेज में दिया जाता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस बात का विरोध किया और संस्कृत पढ़ने के सभी इच्छुकों के लिए कॉलेज के द्वार खोल दिए। इच्छुकों यानी इच्छा रखने वाले, जो भी किसी भी जाति का बालक अगर छात्र अलग अगर संस्कृत पढ़ना चाहता था उसके लिए उस कॉलेज के द्वार खोल दिए गए। उस समय बंगाल में लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल नहीं थे। विद्यासागर स्त्री शिक्षा के महत्व को समझते थे और देश की उन्नति के लिए इसे आवश्यक मानते थे। उस समय बच्चों महिलाओं को लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये माना जाता था कि लड़कियां हैं तो उनका एक दिन विवाह हो जाएगा और उनको अपने घर गृहस्थी संभालनी है, इसलिए वो बस घर में काम करें, केवल लड़के ही पढ़ने जाते थे। उन्होंने कई बालिका विद्यालय खुलवाए। पुराने विचार के लोगों ने इसका विरोध किया। इस पर उन्होंने बालिकाओं को स्कूल ले जाने वाली गाड़ी पर धर्मशास्त्र की यह प्रसिद्ध उक्ति लिखवा दी, पुत्रों के समान पुत्रियों को भी शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। तब समाज के संपन्न और कुलीन लोग स्त्री शिक्षा का विरोध नहीं कर सके। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे बालिका विद्यालय खुलवाए और जब लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया बालिका शिक्षा का, तब उन्होंने बालिकाओं को स्कूल लाने ले जाने वाली गाड़ी पर लिखवा दिया कि पुत्रों के समान पुत्रियों को भी शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। तो जितने भी कुलीन यानी उच्च शिक्षित वर्ग के लोग थे वो इसका विरोध नहीं कर सके। उस समय बंगाल में एक कुलीन पुरुष कई विवाह कर लेता था। कुलीन का यहाँ पे अर्थ है उच्च शिक्षा प्राप्त, और जिसके पास पैसा होता था वो कई कई विवाह कर लेते थे। पति की मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवाओं को नरक का सा जीवन बिताना पड़ता था। मैंने आपको शुरू में बताया था किसी भी स्त्री की पति की मृत्यु हो जाती थी, कई बार छोटी छोटी बच्चियों के पति की मृत्यु हो जाती थी, उन्हें जीवन भर सफ़ेद वस्त्र पहनकर साधारण भोजन दिया जाता था,
वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी, वो हंस बोल नहीं सकती थी, उन्हें फर्श पर ही सोना पड़ता था। तो उनका जो जीवन था महिलाओं का और बच्चियों का जो विधवा हो गई होती थी, उनको नरक का सा जीवन बिताना पड़ता था। उन्हें सिर मुंडा कर सफ़ेद कपड़े पहनकर और रूखा सूखा खाकर रहना पड़ता था। किसी भी शुभ कार्य के समय उन्हें देखना अशुभ माना जाता था। विद्यासागर ने जवान और संतानहीन विधवाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इन सारी कुरीतियों का विरोध किया और जो जवान और बच्चियां थी जो विधवा हो चुकी थी उनके और जो संतानहीन थी विधवाएं थी उनकी दशा यानी उनके जीवन को सुधारने का प्रयास किया। इसके लिए उन्हें बहुत विरोध सहन करना पड़ा, लेकिन वे सत्य और न्याय के लिए लड़ते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि बंगाल में ही नहीं वरन दूसरे प्रांतों में भी विधवाओं के पुनर्विवाह होने लगे। स्वयं उनके पुत्र नारायण ने एक विधवा से विवाह किया। जब उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया तो लोग उनके विरुद्ध खड़े होने लग गए। तब उन्होंने अपने पुत्र का एक विधवा से विवाह कराया और लोगों के मुंह बंद किए। बच्चों, आपने पेज पलट लिया होगा, चलिए आगे पढ़ते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बहुविवाह और बाल विवाह का भी घोर विरोध किया। उन दिनों बहुत छोटी अवस्था में ही बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता था। विद्यासागर के प्रयत्नों से इस विवाह में काफ़ी सुधार हुआ। ईश्वरचंद्र विद्यासागर महान विद्वान, समाजसेवी, उदार और स्वाभिमानी महापुरुष थे। सन 1891 में 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। निधन यानी मृत्यु हो गई। वे जीवन भर अपने ही नहीं दूसरों के लिए जिए और समाज की सेवा करते रहे। वे विद्यासागर तो थे ही, कर्म सागर भी थे। यानी विद्यासागर का मतलब विद्या होती है पढ़ाई, तो पढ़ने लिखने में तो तेज थे ही, कर्म सागर यानी उन्होंने समाज की भलाई के लिए, लोगों की जीवन को ऊपर उठाने के लिए पूरे जीवन भर कर्म किया, इसलिए कहा गया कर्म सागर भी थे। चलिए इसके शब्दार्थ देखते हैं। तीक्ष्ण यानी तेज, अवस्था उम्र, आरंभ यानी शुरू करना, शरारत करना, शैतानी करना, होनहार अच्छे लक्षणों वाला, प्रतिभावान बुद्धिमान जो बहुत इंटेलिजेंट हो कहते हैं ना, इच्छुक इच्छा रखने वाला, उक्ति अर्थात कथन, संपन्न यानी धनी, कुलीन यानी श्रेष्ठ, कुलका, निधन यानी मृत्यु।